गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, दिस इज सरिता फ्रॉम रेसिडेंटियल पैरामाउंट मिशन स्कूल। टुडे विल टीच यू हिंदी। तो सबसे पहले हम बच्चे हिंदी के वर्णमाला को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे। अब बताइए, हिंदी वर्णमाला को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है स्वर, दूसरा व्यंजन। हिंदी वर्णमाला को हम दो भागों में बांटते हैं, एक है स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन। स्वर में देखें क्या क्या आता है। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः। तो ये सारे जो लेटर हैं, इसमें से 11 लेटर जो है हमारा स्वर। अब देखें व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। व्यंजन वर्ण में क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, फिर ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव स, मूर्धन स, दंति स, ह, अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। ये सारे वर्ण जो है हमारे व्यंजन वर्ण। तो इसके बाद अब हम शुरू करते हैं। आपके पास जो बुक है उसको देखिए, आपके पास अक्षर ज्ञान बुक है, और उसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल निकालिए और पेज पलटें। देखिए अ से क्या होता है। चलो अब देखते हैं अ से कौन कौन से शब्द बने हैं। सबसे ऊपर पढ़ेंगे, देखिए क्या है। अ, म, र में बड़ी की मात्रा, द, अमरुद। उसके नीचे आइए, देखिए क्या लिखा है। अमरुद के नीचे अ, ज, ग, र, अजगर। उससे नीचे में देखिए अ, न, आकर, ना, र, अनार। तो ऐसे तो आप लोग को पता होगा, अनार खाए होंगे। अनार कैसा कलर का होता है, तो अनार लाल कलर का होता है। उसके ऊपर देखिए अजगर है। अजगर क्या है। अजगर एक जंगली सांप है, जंगली सांप कहा जाता है, जो जंगल में ही रहता है। अजगर जंगली जानवर माना जाता है। उसके बाद आप देखिए सबसे ऊपर हरे रंग का अमरूद है, जो हम लोग सभी खाए हुए हैं। सबको पता है जो अमरूद का कलर हरा होता है। अब दूसरा देखिए, अ के बाद हम पढ़ेंगे आ। आ से आग, आम और आड़ी। आग का ही देख कीजिए, आ, ग, आग, आ, म, आम, आ, र में बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, आड़ी। तो आग कलर कैसा होता है, आग का कलर ये येलो कलर में होता है, और उसको छूने से हाथ जल जाती है। इसीलिए आग से बच्चों हमेशा सावधान रहना चाहिए। आम, हम लोगों को गर्मी के मौसम में ये फ्रूट मिलते हैं, जो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। इसका कलर पीला होता है। और तीसरा नंबर में देखिए आड़ी, इससे लकड़ियाँ काटी जाती है, फर्नीचर के जो भी सामान बनाए जाते हैं, तो इसी आड़ी का हम लोग यूज करते हैं। पेज पलटिए। अब हम पढ़ेंगे छोटी ई। छोटी ई से क्या क्या शब्द बना है देखें।
इमली, स्त्री और इमरती। तो इमली देखिए यहाँ पर इमली कैसा है, एक ब्राउन कलर का है, भूरा कलर का है और ये खाने में खट्टी होती है। स्त्री आप कपड़े पहनते हो, यूनिफॉर्म पहन के स्कूल आते हो तो उसमें आपकी माँ स्त्री करती है जिसके कारण आपका कपड़ा स्मूथ चिकना दिखता है। और नीचे देखिए क्या है, इमरती। ये इमरती जो है वो जलेबी का बड़ा साइज को इमरती कहते हैं। आप लोग तो इसे खाए नहीं होंगे। अब इसके बाद पढ़ेंगे छोटी के बाद बड़ी ई। बड़ी देखिए, बड़ी से क्या क्या शब्द बना है, ईख, इनाम और ईंट। ईख देखिए यहाँ ग्रीन प्लांट है और इससे जब इसका रस निकाला जाता है तो बहुत ही मीठा होता है, इससे चीनी भी बनाई जाती है। इनाम किसी को गिफ्ट के रूप में इनाम दिया जाता है, जब जैसे आप खेलते हो, खेल के मैदान में जीतते हो तो आपको इनाम ट्रॉफी दी जाती है, तो उसी को हम इनाम कहते हैं। लास्ट में देखिए ईंट। ईंट से अभी हमारे आसपास में बहुत सारे बिल्डिंग बनती है, जो एक एक ईंट जोड़ करके बिल्डिंग बनाई जाती है, तो इमारत बनाने के काम में आते हैं ईंट। आज का इतना ही रहा, आप इसको घर पर फिर से रिवाइज करिएगा। अ से अजगर, अमरूद, अनार। आ से आग, आम, आड़ी। छोटी ई से इमली, स्त्री, इमरती। बड़ी ई से ईंख, इनाम और ईंट। इसको आप याद कर लीजिएगा, ये आपको रिमेम्बर के लिए। अब आपके पास एक और बुक है जिसका नाम है अक्षर सुलेख, इसे खोलिए। ये आपका होमवर्क है। फर्स्ट पेज में आपका पेज नंबर 2 में है अ, और 3 में भी अ लिखना है। ये दोनों पेज को भरना है, इसको फिल कर लीजिएगा। नीचे दिया गया है सबसे बड़े अनार में लाल तथा शेष अनारों में पीला रंग भरी। इसमें आप चूज कीजिए सबसे बड़ा कौन है, तो बीच वाला सबसे बड़ा है। इसमें आप रेड लाल कलर कीजिएगा, उसके दोनों तरफ वाले जो है उसमें पीला कलर कर लीजिए। और कलर कीजिएगा तो मोम वाले कलर से कीजिएगा। पेज पलटे, पेज नंबर 4 आ, 4 में आ है और पेज नंबर 5 में भी आ भरना है। ये दोनों को कंप्लीट करना है, ये आपका होमवर्क रहा, जिसमें यहाँ आ वर्ण पहचानिए और गोला लगाइए। नीचे आपका डाला गया है आ वर्ण पहचानिए और गोला लगाइए। तो इसमें आग, आलू, तो आ में ही गोला लगाना है यहाँ पर दोनों जगह। कौवा जो है आ शब्द में नहीं आता है, आ वर्ण में नहीं आता है, इसीलिए आप इसको नहीं डालिएगा। इसके बाद पेज पलटे, पेज नंबर 6-7, इसमें भी फिल करना है आपको, छोटी दोनों पेज में करना है। पेज नंबर 8 और 9 बड़ी है, इसको भी आपको कंप्लीट करना है। ये आपका यहाँ तक होमवर्क हुआ। इसके लास्ट में देखिए खाली जगह में बड़ी ई वर्ण लिखिए तथा नया शब्द सीखिए। यहाँ ब, ढ, अब बड़ी ई डाल देंगे, बढ़ाई हो जाएगा। दूसरा है पॉइंट, देखिए मी, म में छोटी की मात्रा, मी, ठ, आ का और ई डालेंगे बड़ी ई, तो मिठाई बन जाएगा। उसके बाद यहाँ फिल करना है र, ज आकर जा और बड़ी ई डालेंगे तो रजाई हो जाए। यहाँ तक आपका वर्क कंप्लीट करना है, ये आपके होमवर्क मिला है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।